एक आम आदमी के दृष्टिकोण में -24 जीडीपी के क्या मायने हैं? हम लोगों ने अभी बड़ी विशेषज्ञों से बात की, डेटा एक्सपर्ट्स हैं, सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं, सबसे बात की। देखिए, आम आदमी को जीडीपी की जानकारी हो ना हो, लेकिन उसको जो आमदनी उसकी घट रही है, गरीबी जो वो परेशान है बढ़ रही है, बेरोजगारी जो उसके घर में लगातार दस्तक दे रही है, ये चीज़ें उसको समझ में आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सोचते थे कि मोदी इस देश में एक आर्थिक सुधारक साबित होंगे, अब वो मायूस हो रहे हैं। ब्रजेश जी, मोदी सरकार को दो शानदार जनादेश मिला, लेकिन उसके बावजूद वो आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर तमाम सारे लोगों में बातें आती हैं। कहा जाता है कि अरुण जेटली का असमयिक निधन इसका एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह के जमाने में नौकरशाहों की एक उत्कृष्ट टीम हुआ करती थी, जिसका अभाव है इस सरकार के पास। तमाम सारी बातें हैं जी, लेकिन अब आम आदमी की बात पर आते हैं। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम घम हुए थे, तो भारत में तेल के दाम क्यों नहीं घटाए गए? क्यों महंगाई की आग में जनता को झोंके रखा गया? मन की बात में तमाम सारी चीजों पर बात होती है। स्कूल अपने स्टाफ को शिक्षण से लेकर हर को 50% उसको मात्र तनख्वाह दे रहे हैं, 50% कटौती कर रहे हैं, और बच्चों से फीस पूरी वसूली जा रही है। इस पर ये देश और प्रदेश की सरकार क्यों नहीं बोलती है? ये सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी, क्या वो जुमला था, झूठ था? जो लोग 2014 तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर चिल्लाते थे, वो आज खामोश क्यों हैं? तमाम सारी चीजें ये देखिए, आज बहुत सारे सवाल हैं जी। आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ा इस -24 की वजह से? अभी 4 महीना पहले ब्रजेश जी, लोग कश्मीर में 5-5 प्लाट खरीदने की बात कर रहे थे, जब 370 हटी थी। कितने? 5 प्लाट। हाँ, वो कहाँ चला गया इनका माल सब है? और ये देखिए, एक बात तो साफ है कि कोई सरकार के भरोसे ज्यादा ना रहा है, क्योंकि सरकार खुद ही शराबियों के भरोसे है। इस कोरोना काल में उन्होंने बड़ा सहारा दिया, लेकिन एक चीज ये साफ है कि जिनके अंदर हुनर होता है वो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, वो रोटी खिलाने की बात दम रखते हैं, वो बातें नहीं बनाते। बात बनाने वाले लोग सिर्फ उधर तक सीमित रह जाते हैं। और इस देश के लोग देख लें और जान लें कि भाई, अरुण सौरी ने पूछा एक दिन कि बीजेपी सरकार यह बता दे कि प्रदेश में घट रही हर घटना के लिए कांग्रेस कब तक जिम्मेदार होगी, जिससे कि लोग आगे ये जान सकें कि अब बीजेपी की यहाँ से शुरुआत जिम्मेदारी की फिक्स की जाए। हर चीज में दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल दो। अच्छा, नोटबंदी को ये कभी मानेंगे नहीं कि गलती की, नोटबंदी से ही ये देश बर्बाद हुआ, नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई जा रही है, लेकिन ये नोटबंदी के प्रभाव से आज तक ये देश उठ नहीं पाया। काला धन के नाम पर आज तक मैं नहीं समझ पाया कि 500,000 का नोट बंद करके 2,000 का नोट क्यों शुरू किया। मतलब मैं आज तक इसको डिकोड नहीं करा, 4 साल हो गया। मतलब या तो मेरी समझ में कमी है कुछ, कि मुझे फिर से पढ़ना लिखना पड़ेगा। जी, एक पत्रकार हैं रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखा है स्तंभ में कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों काफी है इस देश को बर्बाद करने के लिए। उन्होंने बातें बड़ी निराशाजनक भाव में लिखी हैं जी। लेकिन अब कंप्लीट करें वीरेन जी, जी नहीं, आज बहुत सारी चीजें कहना पड़ेगा जी, जिंदल साहब आऊंगा, प्लीज वेट जी। क्योंकि ये सरकार ने सौगंध खाई थी कि मैं ये देश बिकने नहीं दूंगा, और चाहे रेलवे बिक जाए, एयरपोर्ट बिक जाए, एयर इंडिया बिक जाए, 23 उपक्रम बिक गए, लेकिन मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। बड़ी सारी बातें हैं, इंजन बिक जाए, गद्दी बिक जाए, हेडलाइट बिक जाए, टायर तो नहीं बिका, कार नहीं बिकने, कार नहीं बिकेगी।
तो बहुत सारी चीजें हैं। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। बहुत बढ़िया, दुष्यंत कुमार ने लिखा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। देखिए, जब नोटबंदी हुई तो कहा गया कि दो दिन परेशानी उठाइए देश हित में, क्योंकि सीमा पर जवान रात दिन बंदूक लेकर आपके लिए खड़ा है और आप केवल लाइन में खड़े हैं, सामने से नोट के बदले नोट ही मिलेंगे, वहां जवान को तो सामने से गोली मिलती है, तो आप इतना त्याग करिए। 6 साल पहले यह 2016 में जो वादा किया गया था, उस त्याग का क्या परिणाम है? अच्छा, ये बैठे हैं पुरी साहब, इनसे पूछो कि भाई बीजेपी सरकार में क्या मिला, तो ये कहते हैं कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, और मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिला डिबेट। ये बताएंगे, डिबेट तो देखने दो नहीं तो दर्शक भाग जाएगा। तो ये इनके पास अच्छा जुगाड़ है। फिलहाल 4 लाइन कहूंगा जी। और ये बताओ, कुछ मीडिया वालों की भी नौकरी वोकरी जा रही है, सुन रहे थे? अरे हर जगह मीडिया की नौकरी जा रही, अखबार बंद हो रहे हैं, लोग अखबार नहीं लिए। इस देश में घनघोर आर्थिक मंदी है, करोड़ों नौकरियां गई हैं, सरकार स्वीकार नहीं करेगी जी। मोदी जी की मन की बात पर कई लाख लोगों ने डिसलाइक किया है, इंटरनेशनल स्तर पर यूट्यूब देखा जाता है, कोई भारत में खाली यूट्यूब नहीं है। अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं कब यह सरकार सोचेगी और जनता के सामने सच्चाई स्वीकार करेगी। कंक्लूड करें बीरेन जी। मोदी जी एक आदर्शवादी नेता के रूप में इस देश में आए थे सत्ता में जी, और दो दो बार उनको प्रचंड बहुमत जनता ने देकर भरोसा जताया है, शायद वो उभारे, लेकिन कैसे देखिए मैं बताता हूं कैसे। वहां कट गई पतंग और हम डोर देखते रह गए, और सियासत के आगे हम शोर देखते रह गए, और इस तरह खोए हैं हम अच्छे दिनों के सपनों में कि वहां गिर गई जीडीपी और हम मोर देखते रह गए। वाह भाई वीरेन जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अमित पुरी साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक